दोस्तों आपने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में जरूर सुना होगा। बता दें कि त्रेता युग में लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। हालांकि अब पुष्पक विमान 21वीं सदी में फिर से आसमान में उड़ान भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का दूसरा लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ये तकनीक अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजने की लागत को कम करने में मदद करेगी। अब ये पुष्पक विमान क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। पुष्पक एक ऐसा विमान है जिसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस लाया जा सकता है और फिर से उड़ाया जा सकता है। ये पारंपरिक लॉन्च व्हीकल से अलग है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, पुष्पक दो चरणों में काम करता है। पहले चरण में रॉकेट बूस्टर जिसे पृथ्वी की कक्षा में ले जाता है। दूसरे चरण में भान अपने पंखों का उपयोग करके लैंडिंग करता है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो दोस्तों इसके कई लाभ हैं, जैसे कि कम लागत। दोस्तों पुष्पक का इस्तेमाल करके उपग्रह को भेजने की लागत पारंपरिक लॉन्च व्हीकल की तुलना में बहुत कम होगी। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल। दोस्तों पुष्पक पारंपरिक लॉन्च व्हीकल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करता है। तीसरा, तेज लॉन्चिंग। दोस्तों पुष्पक का इस्तेमाल करके उपग्रहों को जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों इसरो का लक्ष्य है 2035 तक अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाने का, और पुष्पक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।